जिंदगी की किश्ती जब मुश्किलों भटक जाती है तो पवन ब्रिज से अशोक वांग बन जाना चाहिए। समस्या का हल सोचना चाहिए तो मेहनत करनी चाहिए है। तुसी जरूर सोच रहे होवोगे कि इन्हें अजिहा की किया जो इन्हों तो सीखा जा सकता है, तो जवाब है खेतीबाड़ी। पर खेती तो हर कोई करता है, इस च नवा की है? तो नवा यह है कि यह किसान टापू से खेती करते हैं। जो रोजी रोटी के साधन नहीं मिले तो गुजारा करना मुश्किल सी, तो पवन ब्रिज से अशोक वर्गे 80 परिवार ने डांडपाड़ा टापू से खेती करनी शुरू की। पर यह भी इन्ना सौखा नहीं सी, क्योंकि उन्होंने सारा काम किश्ती राही करना पैंदा सी, मतलब हर बार दुगनी मेहनत। अब यहाँ आने के लिए तो नाव में पार होते हैं सब लोग, हल वाल लेकर आते हैं, भैंसा बैला उसी में यहाँ खेती करते हैं। और फागुन चैत्र का महीना में ना शुरू कर देते हैं जोताई यहाँ का, आषाढ़ सावन तक हल जोताई करते हैं। हुण तुसीं जरूर हैरान होवोगे कि यह टापू किवें बनिया। तकरीबन 2 दहाके पहला कोरबा के जिला हेडक्वार्टर तो 25 किलोमीटर दूर काठोड़ा विकास ब्लाक के डांडपाड़ा के छोटे ते सीमांत किसानों को यह टापू गिफ्ट किया गया सी। यह टापू नियमित अंतराल से नदी विच हड़ नाल बह के आउंदी मिट्टी ते नदी का पानी का पद्धर घट होने कारण बनिया। जो रिहायशी कलोनिया खेतीबाड़ी ते जमीन ते वस गई सन तो उन्होंने सामने ढिड पालन का संकट सी। यह टापू 80 परिवार के रहने लिए एक साधन बन गया सी। पहली नदिया रही से है छोटे पहले इतने एक नदी सी जिस विच हड़ा कारण मिट्टी जम गई, जिस कारण है उपर उठ गई। साढ़े पिंड विच कोई खेती नहीं है, सारा डूबिया होया है अते इतने कलोनिया बन गई हैं। इतने पूरा पिंड खेती करता है, इतने लगभग 80 घर हैं। ਪਰੇ ਬਾਦ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਅਮਰ ਇਹਾਂ ਕੋ ਬੰਦ ਸਭ ਕਤਕਾ ਆਦਮੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਾਂ ਪੂਰਾ ਗਾਂਵ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਇਹਾਂ ਲਗਭਗ 80 ਘਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਭਈਆ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਂਡਪਾੜਾ ਟਾਪੂ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਟਾਪੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਾਨ ਕੋ ਕਾਟਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਾਵ ਸੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਗਾੜੀ ਵਾੜੀ ਤੋ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਪੁਲ ਰਹਤਾ ਤੋ ਕੁਛ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਤਾ, ਤੋ ਨਾਵ ਸੇ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32,500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। इसमें शासन के निर्देश पर जो है जितने भी गिरदावली वाले जो किसान थे और भुइयां सॉफ्टवेयर से इस बार जो है उनको लिंक कर दिया गया था और उसी के आधार पर जो है पंजीयन की कार्यवाही इस बार की गई है। पावे 80 परिवार अपने गुजर बसर लई इस टापू ते खेती कर रहे ने, पर जे उन्हां दी बेहतरी लई मुनाफा वधा इन्हां दे जीवन पद्धर सुधारन लई कोई सरकारी कोशिश कीती जावे तां उन्हां दा जीवन पद्धर सुधरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। टू वॉच 24x7 न्यूज लाइव डाउनलोड ईटीवी भारत ऐप।